पूरब में हमारे एक पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में गैर कानूनी तौर पर लोग आ रहे हैं। सीमा पर उचित प्रबंध नहीं है, पूछताछ का भी तरीका नहीं है। अगर कोई रोजगार के लिए आए और रोजगार कमाने के बाद वापस चला जाए, वो एक स्थिति अलग है। ऐसे लोगों के लिए वर्क परमिट का भी इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन चोरी छिपे आए, अंधेरे में आए, नदियों के रास्ते से आए, झाड़ों के झुरमुट में छिपकर आए और लाखों की संख्या में आए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। ये गृह मंत्रालय हमारे गृह मंत्रालय की नहीं, लोग आ रहे हैं, पुरानी रिपोर्ट है। अब उनके उनके इस बात के लिए आवाज उठाना कि उनका आना रोका जाना चाहिए, वो सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो पुराने रिक्शे वाले थे वो शिकायत कर रहे हैं कैसे लोगों के आने से उन्हें किराया कम मिलने लगा है, क्योंकि आने वाले अध्यक्ष महोदय इसके परिणाम होते हैं। अब ये कहा जाए कि अल्पसंख्यकों के वोट का सवाल है, इस पर मत बोलो, मुंह चुप रहो, और पार्टियां क्यों नहीं बोलती, मेरी समझ नहीं आती। कोई देश इस तरह से बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ठीक है, पूरी तरह रोकना मुश्किल होता है, लेकिन ये समस्या है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और अगर हम आवाज उठाते हैं तो देश के हित में उठाते हैं, वोट के लिए नहीं उठाते। ये बात लोगों के गले के नीचे उतरनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर, यू स्टार्टेड वेरी वेल एंड आई विल एक्सपेक्ट कीपिंग योर ट्रैक रिकॉर्ड, यू शुड कन्फाइन टू कॉन्फिडेंस मोशन। यू हैव नॉट ब्रॉट एनी कंट्रोवर्सी इन द प्रेसिडेंस टू हियर आल्सो, यू कैन नॉट ब्रिंग इट, इट विल बी बेटर। आई एम जस्ट अपीलिंग टू यू, बिकॉज़ देयर वी हैव टू पुट ऑन, आई हैव टू चेंज माय स्पीकर, वी हैव टू ब्रिंग इन ऑल ऑफ यू, इट इज बेटर इफ यू कैन अफोर्ड इट। नो, यू चेंज व्हाटएवर यू लाइक, यू लिसन टू द ट्रुथ। मिस्टर, यस, दैट इज द ट्रुथ। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव की सलाह को हमेशा ही वजन देता रहा हूं, और जब करीमगंज में बांग्लादेश से आने वालों के सवाल को लेकर एक बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ था, उनको रिपोर्ट इसकी मिली होगी, वो हमारी पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वो लोगों में व्याप्त आशंका उसका प्रकटीकरण था। लाखों की संख्या में लोग आ गए क्योंकि उनमें मन में ये भाव है कि आना ये रुकना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में आना ये हमारे भविष्य को खतरे में डालेगा। और उस दिन मैंने अपने भाषण में कहा था, मैंने इनको बताया और इन्होंने मुझे कहा कि आपने ठीक कहा, मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अरे आप ये तो बोलो लेकिन इस प्रश्न की गंभीरता बढ़ जाती है, आयाम बढ़ जाता है जब ये बात ध्यान में रखी जाती है कि संख्या में वृद्धि के साथ और भी दुष्परिणाम होने लगते हैं।